अस्सलाम वालेकुम, हम लोग पहली दफा आए हैं यहाँ पे, क्योंकि रिव्यूज देख रहे थे काफी दिनों से रिव्यूज देख रहे थे काफी देर से, क्योंकि एक वीक से धूम मची हुई है काफी। तो हमने ट्राई किया है, मैंने अभी तक ये ट्राई किया है, जो चीज पाव भाजी है बेहतरीन है। आलू के बारे में मुझे नहीं पता, अभी ट्राई करके बताता हूँ। चने बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम भाई, देखो पता है बात क्या है, देखो देख रहे, इसके अंदर नजाकत है, मोहब्बत है, इसको जब डालोगे ना, खुदा की कसम, अब अगर नहीं आया ना यहाँ पे तुम आ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नादरीन भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 स्टार की फूड स्ट्रीट के ऊपर, और मैं जो है ना आज एक बहुत जबरदस्ती चीज जो है ना वो टेस्ट करने के लिए आया हूँ भाई, इंडियन पाव भाजी, यानी कि मुंबई की फेमस पाव भाजी, और इंडिया का आपको पता है स्ट्रीट फूड, फेमस स्ट्रीट फूड है पाव भाजी, हम उसको जो है ना वो आज टेस्ट करने के लिए आ चुके हैं। अच्छा मैं बता दूं कि इनकी 2 ब्रांच कराची के अंदर मौजूद हैं, एक खारादर के अंदर, दूसरी इन्होंने रिसेंटली ओपन की है भाई 5 स्टार की फूड स्ट्रीट के ऊपर। तो हम जो है आपको पता है कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो हम आज जो है ना एक न्यू एक आइटम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, मुंबई पाव भाजी, इसको टेस्ट करते हैं और जायका आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। भाई मेरे साथ जो है ना वो उमर साहब मौजूद हैं यहाँ पर, इसके ऑनर हैं, हम उनसे जरा मालूमात कर लेते हैं भाई, उनकी हिस्ट्री क्या है, कितना टाइम हो गया उनको काम करते हुए, और ये सीखा कहाँ से आया, आइडिया कैसा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई कैसे हैं? उमर भाई ये बताइएगा कि ये माशाल्लाह से कराची में आपकी दूसरी ब्रांच है, तो ये बताएं कि पहली ब्रांच पर रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, रिजवान भाई होते हैं वहाँ पे, वो वहाँ को संभाल रहे हैं बिल्कुल, और हम लोग यहाँ पे संभाल रहे हैं। तो ये आपने जो नया नया यहाँ पर, अभी कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर? हमें एक वीक हुआ है। एक वीक में आपका आवाम का रिस्पांस कैसा लगा? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, एक डिफरेंट चीज है, आपको पता है बात है, इंडियन स्टाइल बनाया हुआ पूरा अंदर से हमने, उसी तरह थीम रखी हुई है पूरी। तो ये बताइएगा ये पाव भाजी का आइडिया आपको कैसे आया कि ये लगानी चाहिए, ये बनानी चाहिए? ये आइडिया इनका है, रिजवान भाई का आइडिया है। रिजवान भाई का आइडिया, चले रिजवान भाई से भी मालूमात कर लेंगे, रिजवान भाई से कहाँ से मिले, तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को यहाँ पर आके, आपके टेस्ट को अगर टेस्ट करना हो या आपकी प्रोडक्ट को उनको टेस्ट करना हो, तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? ऑडियंस को ये कहूंगा कि आप एक दफा जरूर आए, चेक तो करें इसका टेस्ट बिल्कुल, और आप फिर बार बार ही आते रहें। तो मुझे ये बता सकते हैं कि क्या क्या आइटम आपने यहाँ पे इस ब्रांच के ऊपर रखे? हम लोगों ने वैसे तो हमारा नाम जिस तरह पाव भाजी है, तो पाव भाजी तो हमारी है ही, वो सिग्नेचर डिश हो गई, सिग्नेचर डिश है बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास चिकन खावसा है, बीफ खावसा है, वड़ा पाव है, दाबेली एक चीज है, वो लोगों ने बहुत लाइक करी है यहाँ पे, इंशाल्लाह हम लोग और इसके अलावा चीजें लेकर आ रहे हैं, चीजें लेकर आ रहे हैं। चलें ठीक है, तो अब जो है ना रिजवान भाई की तरफ चलते हैं, रिजवान भाई से पूछते हैं भाई, क्योंकि इसके जो असल जो मेकर है ना, जो माइंड है, जो मास्टर माइंड है ना, वो रिजवान भाई है। तो रिजवान भाई से जरा मैं मालूमात ले लेता हूँ, रिजवान भाई क्या बोलते हैं इसके बाद। तो रिजवान भाई ये बताएं सबसे पहले हमारी ऑडियंस को कि ये पाव भाजी का आइडिया आपको कैसे आया? लॉकडाउन जब था ना, सही है, सभी फारिग थे, आप भी फारिग थे, हम भी फारिग थे, सही, घर पे ऐसे ही बेड पे लेटा हुआ था, लेटे लेटे ख्याल आया पाव भाजी का, क्योंकि सीखी भी थी मैंने, मैं दुबई में 2-2.5 साल रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट था, उससे पाव भाजी में बहुत खाता था, मतलब पाव भाजी, वड़ा पाव और भी इंडियन डिश है वो खाता रहता था। अब वो जब मैं दुबई से वाइंड अप करके जब कराची आ रहा था, तो मैंने उससे ये कहा कि मुझे पाव भाजी बनाना सिखा दे तू, ताकि मैं वहाँ जाके खा सकूँ, तो उसने मुझे सिखा दिया था। उस वक्त मेरे माइंड में नहीं था कि मेरे को कराची में जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या ये वो, बस लॉकडाउन में बैठे बैठे ख्याल आया कि यार पाव भाजी आती है और यहाँ पे कराची में मिलती नहीं है कहीं पे, तो मैंने सबसे पहले पाव भाजी जो है, सबसे पहली जो पाव भाजी थी कराची में, वो मुंबई पाव भाजी के नाम से स्टार्ट हुई है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे लोग आना शुरू हुए। तो ये बताइएगा कि नॉर्थ नाजमाबाद में आपने मतलब आवाम का बहुत ज्यादा रिस्पांस था या लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर नॉर्थ नाजमाबाद में आप ये लेकर आए? मेरे पास मेरी एक ब्रांच है, सबसे पहली ब्रांच जो मेन है वो खारादर में, ठीक है, वहाँ पे काफी लोग आते थे, नॉर्थ से, सरजानी से, न्यू कराची से, गुलशन से, जौहर से, बहुत सारे इलाके से आते थे लोग ना, अब वो यही कहते थे कि थोड़ा सा आप उस तरफ आए कि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए, इजी हो जाए। अच्छा मैं सोच ही रहा था, इतने में उमर भाई आए और उन्होंने बोला कि उमर भाई, फाइज भाई और फसी भाई, ये लोग आए एक मरतबा खाने के लिए, अच्छा ये आए मेरे पास खाने के लिए, खाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ चले, चलो चलते,
ये तो बस वहाँ से फिर हमारा स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह एक हफ्ता हुआ है यहाँ पे। अच्छा। और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और काफी लोग ऐसे हैं जो मतलब जो मेरे वहाँ के कस्टमर है वो भी आते हैं, वो कहते हैं कि यार अब हम मुतमईन है कि आप हमारे करीब आ गए। और यहाँ पे हम सिर्फ पाव भाजी के साथ नहीं है, यहाँ पे हम आए हैं पाव भाजी, वड़ा पाव, दाबेली, ये तीन हो गए इंडियन आइटम्स, ठीक है। इसके अलावा चटकारे चने और आलू मसाले वाले, स्पेशल पापड़ी, अच्छा मसाला पापड़ी, अच्छा पानी पूरी, पानी पूरी इंडियन स्टाइल वाली, इंडियन पानी पूरी, इंडियन पानी पूरी, पाकिस्तानी पानी पूरी नहीं, इंडियन पानी पूरी, और गप्पा राजा, और भी खौसा, अच्छा ये सब तो अभी हम लेके आ गए। और हमारी आगे कुछ प्लानिंग है कुछ और आइटम्स की, इसमें डोसा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पाँच छः चीज़ें और हैं इंडियन स्टाइल की जो हम और लाएंगे मगर टाइम के साथ लाएंगे। तो अच्छा, सबसे आखिर में बस मैं आपसे एक ही बात ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी जो ब्रांच है इसकी टाइमिंग क्या है? ये हमारी नॉर्थ वाली ब्रांच और खादर वाली ब्रांच, दोपहर दो से रात दो बजे तक। किसी दिन छुट्टी तो नहीं? ईद पे भी खुले हैं, ईद पे भी, मतलब ईद पे तो ज्यादा चलेगा इसका आइटम, ये तो ईद पे तो बहुत चलता है आइटम, किसी दिन भी छुट्टी नहीं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो भाई हमने जो है ना इन दोनों से बड़ा आपका कीमती वक्त इनका निकलवाया आपसे बात करने के लिए। अब हम जो है ना इनकी सिग्नेचर डिश पाव भाजी जो है ना उसको टेस्ट करेंगे और आप लोगों के साथ उसका जायका शेयर करेंगे। भाई ये जो है ना हमारी पाव भाजी देखें भाई, रेडी होके आ चुकी है। ये जो है ना बन जिसे कहते हैं हम लोग यहाँ कराची में, इसको जो है ना वो बन कहते हैं, ये कहलाती है भाई पाव। और ये जो एक आइटम इन्होंने सालन टाइप दिया है इसको कहते हैं भाजी, और ये प्याज, और ये इसके साथ इन्होंने चटनी दी है, ये दो चीज़ें दी हैं। अब भाई इसको जो है ना टेस्ट करने की बारी है। और सबसे पहले बता दूं इनका जो मेन्यू है ना वो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये इनके रेट लिस्ट है और बहुत सारे आइटम है। अब इसको टेस्ट करने वाले हैं भाई, मक्खन के साथ जो है ना इन्होंने वो बनाई है, ये देखें क्या ज़बरदस्त जायका लग रहा है। ओहो हो, ये प्याज रखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये भाजी का जायका तो मुझे अच्छा लग रहा है कुछ, एक दफा और टेस्ट करते हैं, जायका तो है भाई। वाह वाह भाई, जरूर टेस्ट करें एक बार, एक यूनिक किस्म का जायका है भाई पाव भाजी का। और कराची में दूसरी ब्रांच इन्होंने फाइव स्टार पे ओपन कर ली, आपको पता है जायका है जब भी ओपन किए। तो अगर आप लोगों का कुछ इंडियन स्ट्रीट फूड खाने का मूड है तो भाई फाइव स्टार चौरंगी के ऊपर द मुंबई पाव भाजी के नाम से एक रेस्टोरेंट खुला है भाई, यहाँ पर आ जाएं। बेहतरीन किस्म की जो है ना वो फैमिली की डाइनिंग की एरिया सिटिंग अरेंजमेंट भी है, और इसके अलावा अगर आप अकेले आना चाह रहे हैं, लड़के दोस्त यार आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बाहर अलग से अच्छा इंतज़ाम किया गया है। तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।